क्राइम करेंगे तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये कह रहे हैं हम लोग। मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में इमरान शेख उसका नाम है, वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है और काफ़ी एफिशिएंट, इसलिए उसे चुना गया है इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और मुस्लिम है वो, तो इसके लिए उसे डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, भेदभाव झेलना पड़ता है, लोगों को उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन है। इतना एफिशिएंट होने के बाद भी लोग डाउट करते हैं कि वो एक मुस्लिम है और वो अपना फ़र्ज ठीक से निभा पाएगा कि नहीं। और यही उसका अंदर का एक द्वंद है जो उसमें चलता रहता है कि उसे अपने आप को प्रूफ करना है, और इस ड्यूटी को निभाने के लिए उसकी फैमिली लाइफ भुगत रही है, उसके पास वक्त नहीं है पर वो ड्यूटी निभा रहा है। तो ये इसके अलावा भी मतलब एक छोटा सा मैसेज है ये कि ये जो भेदभाव लोग आज की दुनिया में लोगों को झेलना पड़ता है बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, देयर कास्ट, देयर कलर, देयर एथनीसिटी, तो ये नहीं होना चाहिए। बिकॉज एक इंसान की ड्यूटी, वो एक इंसानियत इंसान निभाता है, वो ये नहीं समझता है कि वो कहाँ से आया है, वो किस रंग का है, क्या पढ़ता है, क्या बोली बोलता है। ये भी एक छोटा सा मैसेज है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मैसेज है इस फिल्म में वो है इट्स अबाउट द अनसंग हीरोज़, वो हीरोज़ बंगाल पुलिस के जिन्होंने इतने बड़े एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। असली कहानी है जो हमने हमेशा कहा, ये सच्ची कहानी है। सिनेमैटिक लिबर्टी लिए हमने फिल्म को इस अच्छी कहानी को थोड़ा सा बदलने की, तो ये एक सच्ची कहानी है। इतना बड़ा एक मतलब एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था पर इनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, इन पुलिस ऑफिसर्स के बारे में। तो उन ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स के लिए है बंगाल के, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और लोगों को इस बारे में पता नहीं है। 2005 की कहानी है ये। बैंक डकैती हुई थी झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। बैंक के पैसे थे ट्रेन में, ट्रेन से ये लूटा गया था। इसके बाद एक कोवर्ट ऑपरेशन हुआ था जो हमने कहा था कि इसलिए ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है इस ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि ये इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखा गया था। तो अभी इतने साल बाद कुछ पुलिस ने हमारे टीम के साथ ही कुछ डिटेल्स शेयर किए हैं, और कुछ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कौन से ऑफिसर्स थे, और कुछ असली ऑफिसर्स जिन्होंने जिन्हें डायरेक्टर ने मुझे बताया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर उनसे ये सारे कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड है। और जितने लोग थे, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था कि काफ़ी सारे जगहों में बहुत सारे लोकेशन पे उसे चेस करके अपने पुलिस ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए इन किंग पिन्स यानी जो इसके रिस्पॉन्सिबल थे इस डकैती के, उनको पकड़ा था। नहीं नहीं ये देखिए ऐसे बहुत सारी फिल्में आ चुकी है जिसमें दिखाया तो क्राइम को ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे ईमानदार पुलिस वाला है कि करप्ट है। ये एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये इतना ईमानदार है पर इसकी जात के लिए इस पर लोग शक कर रहे हैं। तो ये इसको प्रूव करना है कि ये नॉट ओनली ही इज़ ईमानदार, उसे चुना गया टीम को, इस पूरी टास्क टीम को वो हेड कर रहा है, मतलब वो पूरी ऑपरेशन को यही लीडर इसके लीडरशिप में चल रही है, और इतना ज़्यादा ये अपनी ड्यूटी में व्यस्त है कि अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाता। और काफ़ी अच्छी बीवी मिली है, अब बहुत एक छोटा सा द ओनली रोमांटिक एंगल इन द फिल्म मेरी बीवी के साथ है। एक बहुत प्यारा सा गाना है कुमार सानू का गाया हुआ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे कुमार सानू के उनका गला मिला, उनकी आवाज़ मिली मुझे इस फिल्म के लिए। 90s में मैं उनके गाने सुनकर बड़ा हुआ हूँ, तो इसमें बहुत इस गाने के मैंने बहुत छोटा सा एक प्यार का एंगल दिखाया गया है मेरी बीवी के साथ, तो वो भी इन्जॉय किया काफ़ी मैंने, काफ़ी स्वीट सा गाना है। तो इसमें कोई करप्शन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक सीरियस स्टोरी है जो एग्जैक्टली हुआ था वही दिखाया हमने थोड़ी सी सिनेमैटिक लिबर्टी के साथ। देखिए ज़रूर मतलब ऑब्वियसली मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस फिल्म को लेके, स्टोरी लेके, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि कंटेंट इज़ द रियल हीरो। ये इस फिल्म में शाहरुख खान या आमिर खान डेफिनेटली नहीं है, बाकी बहुत सारे नए नए फेसेस हैं और कुछ दो तीन चार फेसेस काफ़ी पुराने एक्टर्स हैं जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। पर इस फिल्म का प्लस पॉइंट यही है, मैं जिस पे पॉजिटिव हूँ जिसलिए, वो है फिल्म की स्टोरी, फास्ट पेस स्टोरी है, सत्य घटना पर आधारित है, और इसके अलावा फिल्म में अच्छी म्यूज़िक है। तो अब अगर गैंग्स ऑफ वासीपुर की बात करें, ये तो मतलब उस पर काफ़ी मतलब सोचा नहीं था लोगों ने। एग्जैक्टली मतलब काफ़ी अच्छे से फिल्म बनी है, और फिल्म को जिस तरह के एक्टर्स जिस तरह से अनुराग कश्यप ने यूज़ किया है उन एक्टर्स को, उनके मनोज वाजपेयी नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने जुझारू एक्टर्स हैं, इतने मतलब मैं क्या बताऊँ इनकी एक्टिंग एबिलिटीज़ के बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। तो इस तरह के एक्टर्स को इतने अच्छे से यूज़ किया है, ऐसे लोकेशन पर शूट किया है, कोई ग्लैमर नहीं है पिक्चर में, तो ऑब्वियसली ऐसी पिक्चर को तो अच्छा होना ही चाहिए, और काफ़ी अच्छी बात है इंडस्ट्री के लिए ये अगर
इस तरह के मतलब छोटे छोटे एक्टर्स अगर जब मतलब तब तक शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी उतने बड़े स्टार भी नहीं थे जितने बड़े स्टार आज हैं इस फिल्म के पहले गैंग्स ऑफ वसीपुर के पहले इंटरनेशनल मार्केट में एक जगह बनाई अनुराग कश्यप ने इस फिल्म के रियलिस्टिक स्टोरी को बना के तो आई एम वेरी हैप्पी है ना उसी तरह से मैं भी पॉजिटिव हूँ इस फिल्म को लेकर कि शायद ऑडियंस शायद नहीं मुझे पूरा भरोसा है ऑडियंस को अच्छी लगेगी हमारी बैंकॉक तो ऑब्वियसली काफ़ी सबकी फेवरेट जगह है पटाया गए थे हम लोग तो शूटिंग करते थे दिन भर और शाम को थोड़ा सा घूमते फिरते थे तो कुछ कुछ एक्टर्स के लिए पहला ट्रिप था ये तो मैं बैंकॉक पहले भी 2-3 बार जा चुका था तो मुझे थोड़ा बहुत मालूम था तो मैं उनका गाइड बन के शाम को गोयल जी को और इसमें मेरा एक सीनियर ऑफिसर है सुदीप मुखर्जी काफ़ी फेमस एक्टर है बंगाल में उनको और गुलशन पांडे जी हमारे CID के पुलिस इंस्पेक्टर काफ़ी फेमस ऑब्वियसली टेलीविजन के काफ़ी नोन चेहरे हैं तो जहाँ भी जाते थे उनके साथ सबको सेल्फी चाहिए तो हमारा शूटिंग हमारा घूमना फिरना हर चीज़ हैम्पर हो रहा था उनके लिए कि सबको उनके साथ सेल्फी चाहिए तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था चलिए मतलब गुलशन जी इतने फेमस है और बड़े बड़े ग्राउंडेड इंसान बहुत ही डाउन टू अर्थ इन्जॉय किया मैंने सबके साथ काम करना काफ़ी एक अच्छा दोस्त बन गया मेरा अमित सेठी जो विलेन है लोग हम शायद जलने भी लग गए हमारी बॉन्डिंग देखे कि हीरो और विलेन की इतनी अच्छी दोस्ती कैसे होगी भाई पर एक अच्छा दोस्त मिला हमने इतने सारे लोकेशंस पे ट्रैवल किया कि वो कहते हैं ना आप जब किसी इंसान के साथ ट्रैवल करते हो उस इंसान की असलियत आपको पता चलती है तो हमने इतना सारा कुछ ट्रैवल किया फिर भी पूरी टीम एक फैमिली जैसी रही तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इस फिल्म से अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एक टेक होम है मेरे लिए एक मुझे एक परिवार मिल गया जैसे मैंने काफ़ी साल मॉडलिंग की है कैलकटा में और कुछ मैंने रियलिटी शो किए हैं MTV के लिए यहाँ पे आके और इसके अलावा मैंने मेरी पहली फिल्म थी कैलकटा में चोरा वाली एक डिटेक्टिव स्टोरी थी अगाथा क्रिस्टी के नॉवल पे तो मेरा कैरेक्टर में थोड़ा सा नेगेटिव शेड्स है और तो कैलकटा में दो तरह की फिल्में चलती है एक फिल्म है आर्ट फिल्म जिसके लिए हम जाने जाते हैं जो कंटेंट जिसका हीरो है जैसे हम लोग कहते हैं और एक फिल्म है कमर्शियल फिल्म जिसमें ओवर द टॉप एक्शन रोमांस गाने सब कुछ होता है तो दोनों ही फिल्में फॉर्चुनेटली मैं कर चुका हूँ मेरी दूसरी फिल्म थी पावर जो एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी सेम नाम से पावर रवि तेजा उसमें हीरो थे तो मुझे ये ऑफर हुई थी तो मैंने उसमें विलेन का रोल प्ले किया एक काफ़ी जाने माने एक्टर है बंगाल के उनके अगेंस्ट में तो दोनों तरह के एक्सपीरियंस मेरा हो चुका वहाँ पे वो भी वो आउट एंड आउट एक्शन फिल्म थी काफ़ी गोलियाँ मार धार साउथ की टीम थी तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला उससे और फिर गोल तो हमेशा यही था कि मुझे बॉलीवुड करने आए तो थिंग्स गॉट लकी एंड आई एम हियर एक कलकत्ता से चल के एक ट्रेन जा रही थी आपका एक बैंक है बैंक का नाम मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा पब्लिक में उस बैंक के अराउंड कुछ 90 करोड़ रुपीज़ जो है रॉबरी हुई थी वहाँ पे तो उस रॉबरी का जो मास्टरमाइंड का जो था मेन कल्प्रिट जो था वही बिलोंग टू झारखंड तो उसका जो मास्टरमाइंड का जो रोल प्ले है वो मैं कर रहा हूँ इस मूवी में तक देखिए बॉलीवुड में आपने मूवीज़ देखे होंगी यूपी पुलिस पे काफ़ी मूवीज़ बनी है महाराष्ट्र पुलिस पे काफ़ी मूवीज़ बनी है बिहार पुलिस पे बनी है लेकिन बंगाल पुलिस पे कभी कोई मूवी बॉलीवुड में आज तक आई नहीं है तो ये पहली बार हुई है कि बंगाल पुलिस पे जो है डायरेक्टर हमारे जो है मूवी को लेके आ रहे हैं बॉलीवुड पे वो तो खैर डायरेक्टर जो है टेक्निकली काफ़ी जगह उन्होंने बहुत कुछ अपना मैनेज किया इन चीज़ों को लेके यहाँ पे और मुझे जब उन्होंने कहा था इस कैरेक्टर के बारे में तो सब लोग कहा था कि नेगेटिव रोल तुम करोगे ना सर नेगेटिव पॉजिटिव की असर की बात नहीं है कैरेक्टर एक कैरेक्टर ही होता है भली मूवी जो भी हो आजकल तो हीरो या विलन के हिसाब से सच को नहीं है आजकल जो है कैरेक्टर रोल होते हैं तो मुझे इसका सतेंद्र यादव जो कैरेक्टर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुनकर उनका जब उन्होंने बताया मुझे पूरा रोल उनका यहाँ पे तो फिर मैं उसके लिए फॉरवर्ड मैंने मूव किया यहाँ पे मूवी करने के लिए कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बिहारी फ्रेंड्स हैं तो बिहार के एक्सेंट में बात करते हैं तो उनके संग भी मैं मजाक में किया करता था तो एक्सेंट में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है सर यहाँ पे थोड़ा बिहारी टोन लाने के लिए एक्शन करने के लिए एक्सीडेंट्स तो काफ़ी देख रहे हैं आजकल पेपर्स भी देख रहे हैं आजकल तो ट्रू इवेंट्स में काफ़ी वेब सीरीज़ भी बन रही है यहाँ पे तो ऐसा मुझे इसके लिए रेफरेंस में मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ हुई नहीं यहाँ पे तो इस मूवी काफ़ी मूवीज़ का आपको रेफरेंसेज भी मिलेंगे यहाँ पे जो आप जो जब रोल देखेंगे मेरे इसमें आप करेंगे हम तो काफ़ी मूवीज़ के रेफरेंस मिलेंगे आपको इसमें ये शूट आपका कोलकाता में हुआ है झारखंड में हुआ है पुरुलिया में हुआ है सिक्किम में हुआ है नेपाल में हुआ है और बैंकॉक में हुआ है बैंकॉक में जो है वो क्लाइमैक्स है वहाँ पे जहाँ पे मैं पकड़ा जाता हूँ जो पुलिस मुझे चेस करते 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 बैंकॉक में जाके आखिरकार वहाँ से मुझे अरेस्ट करके इंडिया लेके आते हैं लोग मैं सिर्फ थिएटर करता था सर और एक आध दो टेलीफिल्म्स की है मैंने बंगालीज में यहाँ पे हिंदी के पहली बार कर रहा हूँ मैं सर के संग राजघोष जी के संग जो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया यहाँ पे मूवी मेरी पहली स्टोरीज बिल्कुल हट पहली बार जैसे मैंने बताया आपको सबसे पहला पॉइंट जो है बंगाल पुलिस के सक्सेस के ऊपर में आई वाली मूवीज़ तो बंगाल पुलिस को लेकर आज तक बॉलीवुड में कोई मूवी आई नहीं है तो मुझे लगता है पब्लिक इस चीज़ का और ज़्यादा क्रेज़ रहेगी कि बंगाल पुलिस जो है उसको लेकर क्या है स्टोरी में ऐसा क्या है जो बंगाल पुलिस को लेकर इतना लोग मूवी बॉलीवुड में पहली बार आ रही है तो उस क्रेज़ भी वो एक क्रेज़ रहेगा पब्लिक को यहाँ पे
चेज जैसा जानते हैं कि मुझे बैंक रॉबरी के बाद पुलिस मुझे काफ़ी जगह काफ़ी लोकेशन से आपको देखने मिलेंगी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम काफ़ी जगह लोकेशन में शूट किए हैं यहाँ पे, तो चेज़ करते 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 आखिरकार मुझे बैंकॉक से अरेस्ट करते हैं, तो नाम भी इसलिए वैसे ही पड़ा चेज़ क्योंकि मुझे पीछा करते 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 आखिरकार मुझे पकड़ते हैं वो लोग यहाँ पे। मूवी में जो मेन कॉप का रोल कर रहे हैं मिस्टर दीपांजन बशाक, वो बंगाल में टॉलीवुड में काफ़ी मूवीज़ कर चुके हैं, काफ़ी सक्सेसफुल मूवीज़ हुई है उनकी यहाँ पे, और हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया साथ में ऑन द रोड, काफ़ी ट्रैवल किया करते करते तो हम लोग एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई, एक हम लोग जब यूनिट है पूरा एक फैमिली जैसा बन गया हमारा पूरा। नेक्स्ट रोल मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था वो था जब मेरा बैंकॉक में मेरी जब एंट्री दिखाते हैं, तो एंट्री के टाइम पे मेरा दिखाते हैं कि मैं स्टीमर बोर्ड जो होता है मैं उससे आ रहा हूँ मैं वहाँ पे, तो मुझे एक हाथ रख के और पाँव के ऐसे करके मुझे बैलेंस करना था उसको वहाँ पे, तो वो स्टीमर बोर्ड जो है एकदम मिड ऑफ द सी में लेके जा रहा था वहाँ पे, तो काफ़ी वेव्स आ रही थी, तो वेव्स आने के कारण क्या हो रहा था सपोर्ट क्योंकि नहीं था मुझे, मैं काफ़ी बार अंदर गिरता जा रहा था वहाँ पे, तो डायरेक्टर को काफ़ी तकलीफ हो रही थी, उसको बार बार कट करना पड़ रहा था, मैं फिर टेक ले रहे हैं, फिर वेव्स आ रहे हैं, स्टीमर बोर्ड चल रहा है, फिर गिर जा रहा हूँ, तो एक 5 सेकंड के सीन के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा उसके लिए, काफ़ी चोटें भी लगी मुझे उसके लिए, पीठ में पाँव में काफ़ी चोट लगी मेरे को उस टाइम पे, बट दैट वाज चैलेंजिंग, अच्छा था। आजकल देखिए इस क्या बोले मतलब एक डॉन का मुझे अगर इसमें दिखा रहे किरदार थोड़ा बहुत, तो गाली गलौज नहीं बनेगा तो वो एक कैरेक्टर में वो आता नहीं ये चीज़ वहाँ पर, थोड़ा बहुत तो आजकल चलता ही है ये सब चीज़, तो रोल को और थोड़ा मजबूत बनाता ही है। मैं जैसे बता रहा हूँ मेरे फिंगर्स क्रॉस है पब्लिक की मूवी पसंद आए, बस इतना ही चाहूँगा, और पब्लिक मूवी ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि मूवी थोड़ा हटके है रियल स्टोरी पे, आजकल रियल स्टोरी पे पब्लिक को ज़्यादा क्रेज़ है, इवन मैं पर्सनली बोल रहा हूँ मुझे भी रियल स्टोरीज की मूवीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, नॉन फिक्शन मूवीज़ जो होती है, तो आई होप कि पब्लिक को ये मूवी बहुत पसंद आए और सक्सेस मिले इस मूवी को। सबसे ज़्यादा मुश्किल मैंने जैसे बताया स्टीमर रोड वाला ही था, बाकी इसमें एक सीन है जिसमें मेरे फादर के संग मेरी एक क्लैश होता है इसमें, तो उसमें मुझे काफ़ी अंदर गुस्सा लाना था, तो वो गुस्सा लाने के लिए मुझे काफ़ी मतलब गुस्सा आ नहीं रहा था अंदर ठीक से, तो करते 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 काफ़ी टेक्स के बाद गुस्सा मेरे अंदर में मैंने लाया उसको, मैंने खुद को फिर गुस्सा आ रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है सीन मेरे से यहाँ पे, तो गुस्सा जो उनके अंदर प्रैक्टिकली आया वो गुस्सा फिर निकल के वहाँ पे कैमरे के सामने मेरे रिवील हुआ। मैंने सर कुछ मूवी रेफरेंसेस लिए हैं इसमें मूवीज़ का, मैंने कुछ मूवीज़ देखे हैं इस मूवी को करने पहले, जैसे गंगा जल वगैरह है आपका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गैंगजर वासी को जैसे बताया वो है, तो इन कुछ मूवीज़ से रेफरेंसेस लेके कुछ बॉडी लैंग्वेज देख के मैंने इस मूवी को जो है फर्दर मैंने करने की कोशिश की अपने अपने आप से। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहे, हम लोग काफ़ी लोकेशन में शूट किए हैं, कुछ ऐसी जगह थी कुछ काफ़ी गर्मी थी, कुछ जगह थी काफ़ी ठंड थी, धूल मिट्टी, तो पैकअप का कोई हम लोग का टाइमिंग रहता नहीं था, कि जब तक हमारे डायरेक्टर जो थे बहुत वो रिजिड थे इस मामले में कि जब तक वो सेटिस्फाइड खुद नहीं होते थे वो छोड़ते नहीं थे, तो रात को 12 बार एक एक मतलब भी हमने कंटिन्यू शूटिंग किया, तो ऐसा हम लोग सिचुएशंस किए हैं, काफ़ी मुश्किलें हुई हैं बट वी हैड अ वेरी नाइस टाइम, काफ़ी एडवेंचरस था, बहुत मज़ा आया। मेरे तो वैसे तो मेरे सबसे फेवरेट अमिताभ जी हैं, अमित सर ही है मेरे फेवरेट, बाकी विलन्स में भी काफ़ी मेरे फेवरेट हैं यहाँ पे, जैसे आई पर्सनली लाइक अमरीश पुरी जी की मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, एंड अभी फ़िलहाल में मुझे नवाजुद्दीन जी काफ़ी पसंद है नेगेटिव रोल्स के लिए।